है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि खेती कैसे की जाती है। अभी खेती की जो है वो कुड़ाई हो रही है, यानी कि जुताई हो रही है। अगर कुदार से किया जाए तो कुड़ाई, और अगर ट्रैक्टर से किया जाए तो इसको कहते हैं जुताई। तो भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बिहार के छपरा जिले के सारण गांव में। गांव का नाम टड़वा बताया जाता है। यहां पे हम पहुंचे हैं और यहां पे खेतों की जुताई हो रही है, शायद गेहूं की बुआई के लिए। आप देख, आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे जुताई होती है, खेती का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान उगाता है तभी तो देश खाता है। ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। और आज हम किसानों के बीच हैं, किसानों की समस्या भी जानने की कोशिश करेंगे, फल कैसे, एक फसल कैसे उगती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और मोटी मोटा बिहार में किसानों की हालत क्या है, इसका भी आकलन किया जाएगा। यूपी के किसानों की हालत तो आपने सुनी होगी, देखी होगी, और हमने अपने वीडियो में दिखाते भी रहते हैं। आज बारी है बिहार की, और सवाल होगा नीतीश कुमार से, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो सवाल होगा नीतीश कुमार के प्रशासन की, सवाल होगा नीतीश कुमार के शासन की, और सवाल ये भी होगा कि वो कितना लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और किसानों का कितना भला हो रहा है। बताइए चाचा, किसानों का बिहार में क्या हाल है? बुरा हाल है। ये पर बाढ़ में फसल उसल खराब भइल, सब डूब गए। यही बताओ, जब फसल डूबल तो ओकर पैसा मुआवजा मिलल ना मिलल? कुछ ना मिलल। अच्छा, जब खराब भइल फसल तो एकर मतलब जिन्ना में बुआई में लगल, जुताई में लगल, कुल पानी में चल गए पैसा? सब पानी में गए, सब बेकार। देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं किसानों की भलाई की, और ज़रूरी भी है। अगर किसानों की भलाई नहीं होगी तो हमारे प्लेट में रोटी नहीं आएगी, और अगर हमारे प्लेट में रोटी नहीं आएगी तो हमारा भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ये स्थिति आज हो रही है बिहार की, हम बात कर रहे हैं बिहार छपरा की, यूपी की आपने देखी है। और किसानों से बातचीत करेंगे, उनसे भी उनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है समस्या। किसानों के बीच में है, खेतों के बीच में है। ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसकी जुताई हो चुकी है और इसमें गेहूं जो है वो बोया जा चुका है। अगर धान होता तो उसकी रोपाई होती, यानी कि पानी, यहाँ तक पानी होता है, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, उसको कहते हैं रोपाई। लेकिन यहाँ पे जो गेहूं है उसकी बुआई होती है, छींटा जाता है चाचा ना, गेहूं को छींट दिया जाता है। छींट के बोते हैं। हाँ, ये बताइए, ये कितना जमीन है? 1 बीघा? हाँ, 1 बीघा है। 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन के लिए कितना बीज लगता है? अब 1 बीघा के लगभग 50 kg। 50 किलो? हाँ, 50 किलो लगेगा। अच्छा, और कितना खाद वगैरह कितना लगता है? खाद मोटा मोटी 3 किलो के कट्ठा हम लोग देते हैं। अब कोई 5 किलो देता है, कोई थोड़ा जैविक उबिक मिला। आप खेती करते हैं ना? हाँ, खेती करते हैं। कंधे पे कुदाल लेकर खड़ा है एक किसान, अब उसी से उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे, आकलन करेंगे। मोटा मोटी बताइए, आपका इस बार का धान का फसल कैसा रहा? धान का फसल ठीक नहीं था। ये भी सुनने में आया कि बिहार में बाढ़ की वजह से धान की फसल बहुत खराब हो गया, तो आप लोग को मुआवजा मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। फॉर्म वॉर्म भराया गया? वो भी नहीं। फॉर्म तो भरे हैं। फॉर्म भराया गया? हाँ। तो जब आप लोग को मुआवजा नहीं मिला तो फिर गेहूं की फसल के लिए पैसा उधार लेना पड़ा होगा? हाँ, उधार। KCC भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। KCC भी नहीं है? नहीं। अच्छा, ये कोई किसान के पास भी नहीं है। हम लोग को लोन लेना पड़ता है, कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। सूदी पर लंबी सूद पर मिलता है। अच्छा, अब फिर अच्छा ये बताइए कि नहीं, आपके पास KCC नहीं है तो आप किससे पैसा उधार लेते हैं? किसी गांव के किसी इंसान से लेते हैं? गांव से, अगल बगल वाले से। अच्छा, कितने पैसे? 5% पे। 5% पे लेते हैं। अच्छा, और फसल जब होता है तो फिर हम लोग देते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं? बीज वगैरह आपको सरकार मुहैया करा रही है, नहीं करा रही है? बीज 1 पॉकेट मिला था, बस एक पॉकेट मिला। और जिसका ज्यादा जमीन होगा वो बस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना खरीद कर लोग करते हैं, मिलने की कम ही संभावना है। और क्या क्या समस्या है चाचा खेती में? खेती में ये KCC अगर हो जाता तो सबसे बढ़िया रहता। पानी के जो है, पानी का बिजली अब तो चल रही है, लगेगा उसके बाद से देखेंगे। अभी तक जुताई भी, महंगा है, तेल उल महंगा है, तो जुताई अच्छा, भी महंगा। खेतों तक पंपीसेट नहीं पहुंच पाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है। मोदी जी का चुनावी वादा था, जब चुनाव का मौसम था तब मोदी जी ये कहे थे कि हर गांव के हर एक खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सीधे तौर पर बिहार छपरा में ये बात सामने आ रही है कि पानी नहीं पहुंच पाया है। तो कैसे सिंचाई होती है? नहर वगैरह से होती है?
नहीं, भाड़ा पर चलाना पड़ता है बोर्डिंग, भाड़ा पे कितना पैसा? यहाँ नहर भी नहीं, नहर वहर की कोई सुविधा नहीं, देख लीजिए यहाँ नहर भी नहीं है। 200 रुपये घंटा लगता है, 200 रुपये घंटा। एक बीघे में कितना घंटा चलाना पड़ता है? कम से कम 5 घंटा। 5 घंटा, 5 घंटा से एक घंटे पे कितना पैसा लगता है? 200। हाँ, एक घंटे पे 200। और अगर धान की फसल है तो कितनी बार चलाना पड़ेगा पानी? 3-4 पानी। और गेहूं में? गेहूं में 2 पानी। तो आप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जितना आप लगाते हैं लागत, उससे आपको लाभ मिल रहा है किसानी में नहीं मिल रहा है? किसान है, एक बार खेती में लगता है तो कर्ज पैसा चाहे गेहूँ लेकर बो देते हैं, जो हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अभी ठीक है, अपना उसी से गुजारा करते हैं, जो हो जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं। जहाँ हमारा जो लगा, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है, खर्च में हम लोग नहीं जोड़ते हैं, खर्च जोड़ने पर तो खेती भी नहीं होगा। आप किसी भी जगह चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, कहीं भी किसान की हालत यही है। किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन क्या करे, उसका अन्नदाता जो है वो अन्न ही है, लेकिन अन्न के अलावा वो करे भी क्या, कोनो और चारा ना बा, करे बा खेती, ये क्या उपाय नहीं है, बस खेती करना है। और साइड से कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस का साधन नहीं है, तो पैसा आए तो आए कहाँ से? आप लोग भी किसान है? जी किसान है। ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? किसान क्रेडिट कार्ड बना, आप आपके खेत तक पंपिंग सेट नहर वगैरह पहुंची नहीं पहुंची? ना, अभी तक तो कुछ नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा है। देख लीजिए, एक किसान की बात होती तो होती, यहाँ दूसरे किसान भी सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि बिहार की हालत और भी खस्ता है। नीतीश कुमार का क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दलालों के पास जाना पड़ता है, और वो भी दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया जाता है, घूस उस वगैरह मांगते हैं, पैसा 10% 15% दीजिएगा तो होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। मोदी जी, ना घूस लेंगे, ना घूस देंगे, ना घूस लेंगे और ना लेने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब देखिए, आप लेते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए 10% का जो है वो पैसा देना पड़ता है। ऐसा भी हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड बना है और अनपढ़ लोग हैं गांव में, उनसे विथड्रॉल पर साइन करा के पैसा भी उठा लिया गया है। ऐसा भी है यहाँ पे, बैंक ने पैसा दे दिया, मिलकर मैनेजर साहब से पैसा उठा लिया, उसके बाद जब नोटिस आया तो लोग बेचैन है कि साला हम पैसा लिए नहीं और कर्ज हम पर आ गया। अच्छा, ऐसा भी ये देख लीजिए, घुसखोरी की जो मिसाल है वो यहाँ पे दिख रही है, ये बिहार छपरा की हालत जो है। आप लोग भी किसान है? सरकारी एजुकेशन वाले अगर अच्छा पढ़ाई करना है तो वो प्राइवेट में करते हैं, गरीब के बच्चे जो अगर जाता है वो भी मैंने बहुत सरकारी विद्यालय में जाते हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं अच्छा शिक्षा के लिए। मतलब सरकारी स्कूल में मोटी मोटा पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मोटी पढ़ाई, मिड डे मील वगैरह मिलता है, खाना वाना मिलता है? बच्चे बताएंगे। अच्छा, आपका बच्चा जाता है? नहीं जाता, नहीं, हमारे बच्चे नहीं, छोटा बच्चा है। और बताइए, चलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई की बात बता दी अपनी, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बताइए, यहाँ पे जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वगैरह है वो यूपी में, बिहार में कम है कि नहीं? कुछ कम है। मतलब यहाँ लड़कियाँ अगर चाहें 6 बजे के बाद बाहर निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती, सीधे तौर पर बंद ही रहना है उन्हें। ये कैसा विकास है आप देखिए, हम विकसित भारत की तस्वीर देख रहे हैं, विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो महिला सशक्तिकरण का दावा करता है और ये कहता है कि भारत जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन भारत की महिलाएं बेटियां आज भी शाम सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। मजबूरी ये है कि कुछ अराजक तत्व तो समाज में विराजमान है जो लड़कियों को अभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और ये बताइए, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कि कहते हैं लड़की है इका हुई पढ़ के भी आ नहीं, पढ़ाए थे जहाँ तक हमको सकान हुआ था। कहाँ तक पढ़ाए? 8वां तक पढ़ाए बस, उसके बाद शादी? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। तो क्यों उसके बाद नहीं पढ़ाए? स्कूल नहीं है, असुविधा, दूर है, दूर है, दूर है। कहाँ पड़ेगा आपका घर? बस तड़वा में पड़ेगा। बस तड़वा, और वहाँ से स्कूल कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अगर पास में होता तो पढ़ाते? हाँ, पास में होता तो पढ़ाते। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और वो लड़की जो आज घर में बैठी है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो पाई है। वजह क्या है? वजह ये है कि स्कूल इतना दूर था, इसलिए बाबा बता रहे हैं वो पढ़ाने नहीं भेज पाए, और भेजते भी कैसे? अगर शाम हो जाती तो कुछ अराजक तत्व समाज में विराजमान है, वो नोच खाने के लिए तैयार हैं, वो लड़की कहाँ जाएगी बताइए? इसलिए शायद आप जानते हैं, इसीलिए आप बाहर नहीं जाने देते। और क्या क्या है, और क्या क्या समस्याएं हैं? शराब बदने के बारे में बताइए, बिहार में शराब और आप मिल रहा है नहीं मिल रहा है? शराब तो दोगुना मिल रहा है, दोगुना मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। पीने वालों के लिए दोगुना पैसा लगे, पहले 10 रुपये हम लोग पी लेते थे, 20 रुपये, 50 रुपये लगता है। कच्ची मिलता है? कच्ची
और पता नहीं पॉकेट में पोलोथीन में लोग लाते हैं भर भर बेचते हैं। पॉकेट पोलोथीन मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ कच्ची दारू बन रही है। अगर अगर ये 20 और 50 रुपए बचा रहे हैं और तेज हो गया है पहले से ज्यादा लोग पी रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं और ज्यादा मिल रहा है और ज्यादा मिलने लगा है। लोग चुरा के पी रहे हैं लेकिन शाम को देखिए एकदम सभी चौक चौराहों पर लोग पिए मिलेंगे पिए हुए मिलेंगे। देख लीजिए भैया कानून व्यवस्था की हालत ये है, सवेरे सवेरे घर पर आकर दे जाता है जो बेचता है उसके घर। होम डिलीवरी शुरू हो गई है भैया, पहले जो है वो होम डिलीवरी नहीं थी, अब दारू और गांजा की होम डिलीवरी हो रही है। और ये होम डिलीवरी इतनी हो रही है कि पहले नहीं, पहले कम लोग पिया करते थे, जब से ये नियम आ गया तब से लोग और पीने लगे हैं। और भैया और समस्या ये बा कि पहले आदमी 10-20 रुपए में पी के अपन पैसा बचा लेता रहा, लेकिन अब ढेर पैसा लगे तो घरों में पैसा ना दे पाने। जो पिए के शौकीन बा जे अपने आदत से लाचार बहू का करियो के पिए के आदत बा तो घरे पैसा ना दे पाओ का करिए अपने ही ना पिए मजबूरी है। और बताइए क्या क्या दिक्कत है बिहार में? बिहार में तो बहुत दिक्कत है, रोजी रोजगार कुछ भी नहीं, नहीं है यहाँ के अधिकतर लोग पलायन करते हैं, दिल्ली बम्बई काम करते हैं। आप यहीं रहते हैं? आप भी कहीं से? नहीं अभी तो मैं यही हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं बाहर जाके काम करते हैं? कहा हो जाता है यहाँ के लड़का लोग बाहर चल जाना कमाए? हाँ बाहर, बस 18 साल पूछ जाए उसके बाद से बाहर चले जा रहे हैं। मैट्रिक इंटर किसी तरह लोग कर लेते हैं, 10-12 करके बाहर चले जा रहे हैं। बाहर चले जा रहे हैं। भैया आपको बाहर जाना है पढ़ के कि गांव रहना है? ध्यान तो गांव ही था लेकिन अब देखते हैं गांव की हालत ठीक हो जाएगी तो गांव में रहेंगे, नहीं तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। हालत ये है कि रोजगार देने में सरकार जो है असफल रह रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इससे पहले बीजेपी, अभी बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस रही, उसने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, जिस वजह से जो गांव का युवक है वो बाहर जाने के लिए पलायन करता है। मजबूरी ये है भैया, बाहर जाने में भी दिक्कत है वहाँ पे, गाँव से खेदाई हो रहा है देहात के बिहारी लोग के। अच्छा, दिल्लियों से खेदाई हो रहा है, वो लोग भी रखते नहीं है बिहारियों को। अच्छा ये बाबा ये बताओ, अगर पूछल जाए बिहारियन के खासियत तो क्या बताइबा? जैसे कहल जाए कि खूब कमाओ खूब खाओ, हाँ बस ये खासियत है। हाँ खासियत है, मुसीबत से न घबराओ। अच्छा, कैसे पहचानल जाए आम इंसान और बिहारी में, क्या पहचान होला? मेहनत करने वाले बिहारी होते हैं, मेहनत करने वाले बिहारी बिहारी होते। बिहार के छपरा ज़िले में मौजूद हैं, किसानों की हाल को देखकर निराशा ही हाथ लगी। हमने सोचा यह हालत सिर्फ यूपी की होगी और हम योगी सरकार पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आज हम पहुंचे हैं बिहार के छपरा में और यहां नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा। ये सारण जिला बताया जाता है और यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो है उनकी भी शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। किसान जो है वो अपनी दुखती हालत में, उसकी दुर्दशा देखकर परेशानी हो रही है। इनका कहना सीधे तौर पर यह है कि इनकी फसल नुकसान हुई लेकिन इनको फसल बीमा योजना नहीं मिली। बच्चे जो हैं, जो बिहार और छपरा के जो युवक हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, इन्हें बाहर पलायन करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये भी एक फेलियर माना जाता है। अगर आप अपने युवाओं को होना चाहिए केसीसी, हाँ किसान के लिए केसीसी होना चाहिए है, तो केसीसी पूरा ऐसी कैंप लगा कर कीजिए, केसीसी दीजिए, या बटाईदार हो या कुछ भी हो, उसको हर एक घर में केसीसी होना चाहिए। केसीसी तो मिलना चाहिए, किसान का ये अधिकार है। बनवा दिए उसे केसीसी भी बनवा दीजिए, इससे किसान खुशहाल होगा, कम ब्याज पर उसको पैसा मिलेगा, अपना खेती करेगा फिर बढ़ेगा। आपको भी कुछ बताना है, आपकी भी कोई समस्या है? हम लोग का क्या समस्या है? यह समस्या है, दिन रात खेती में खटते हैं। महंगाई में महंगाई तो महंगाई की मार किसानों पर, मजदूरों पर और जो आम आदमी है उसी पर ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो आप तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। आपको अगर 20 रुपए की रोटी मिलेगी तो भी आप खरीद लेंगे क्योंकि आप पैसा रखते हैं। एक किसान जो है वो कैसे महंगाई, भैया बाबा जब तू लोग रहला हमन जिन्ना तो 10 रुपए ले जा तो भर भर झोला ले आओ, बहुत बच जाता, सब्जी 5-10 रुपए में हो जाता था, अब 100 रुपए ले जा, 100 रुपए में हो जाता, वो भी झोला नहीं भर रहा है। बिहार के छपरा की हालत भी यूपी जैसी ही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम योगी सरकार पर तीखा सवाल करते हैं तो आज सवाल सुशासन बाबू पर था। सुशासन बाबू को हम सब भली भांति परिचित हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया है, बिहार की हालत भी यूपी जैसी ही खस्ता है और यहाँ के किसान भी दर दर भटक रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और हम ये समझ लें कि अगर हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और हमें लगेगा कि हमारे मुद्दे नहीं हैं तो ये आप पर सीधा सवाल है,
क्योंकि अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी, पिछड़े तबके की बात नहीं सुनी जाएगी, दलित की बात नहीं सुनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं भैया समाज का एक तबका पीछे रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो हमें आवश्यक लगता है। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।